सबरी, मैं परलोक जा रहा, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें श्री राम के प्रतीक्षा करनी होगी, उनके दर्शन और उनसे भक्ति का ज्ञान पाके तुम भी हमारे पास परलोक आ जाना। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग के लिए सजाया है। मैं ही राम और मैं माता सबरी से मिलने आया हूँ। मैं ही राम। मेरे राम आ गए, मेरे प्रभु श्री राम आ गए, मेरे राम आ गए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव जी प्रभु, बेर है, बहुत मीठे हैं, मैंने सब चख के रखे हैं। माते, ये बेर बहुत स्वादिष्ट है। भक्ति पाए अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण। जो सच्चे दिल से भगवान को याद किया जाए तो भगवान को आना ही पड़ता है। सबरी की तरह हम भी 500 सालों से भगवान का इंतजार कर रहे थे
और 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रभु श्री राम फिर से आने वाले हैं। 22 जनवरी को श्री राम आने वाले हैं। इस सब की आपको बहुत बहुत बधाई। हमारा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हम ना भूले और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना। जय श्री राम। जय श्री राम। राम मंदिर ना जिद है ना जरूरत, ये तो अभिमान है, स्वाभिमान है, गुणगान है उनका, जो मनुष्य रूप में आए ही इसलिए थे कि बता सके कि मनुष्य को रहना कैसे चाहिए। आखिर में मेरे साथ बोलिए दशरथ नंदन, रघुकुल दीपक, अयोध्या नरेश, मर्यादा पुरुषोत्तम, सियावर रामचंद्र की जय।